सहारनपुर के मोहल्ला आली की चुंगी की रहने वाली महिला आतिया साबरी का निकाह 25 मार्च 2012 को वाजिद अली के साथ हुआ था, लेकिन 2.5 साल में दो पुत्रियों के जन्म के बाद से ही लड़के वालों के व्यवहार में फर्क आ गया और घर में हर वक्त कलेश रहने लगा, मारपीट तक आपस में होने लगी। आखिरकार एक दिन पीड़िता आत्या को जहर तक दे दिया गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आत्या सहारनपुर अपने घर आ गई। आत्या के शौहर ने बिना कुछ पूछे ही अब दारुल उलूम से तलाक की स्वीकृति लेकर आत्या को तलाक का रजिस्टर्ड लेटर भेज दिया। लेटर के मिलते अब पीड़िता आत्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से 3 तलाक के अपने इस मामले पर न्याय की गुहार की है और अपने और अपनी दो मासूम बेटियों के लिए कोर्ट से इंसाफ मांगा है। मेन कारण तो ये समझ लीजिए कि शायद ये दो बेटियां ही हैं। अच्छा। जिनकी वजह से ये तलाक तक ना हो पाता है। वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये पैदा भी हों। अच्छा। और बस ऐसे ही घर में कलेश बनते चले गए। तो किस तरह से उन्होंने आपको तलाक दिया, मतलब फोन पे दिया है, किस तरह से कोई नोटिस भेजकर? मेरे पास ना कोई फोन है, ना मैंने आज तक उनका आमने सामना देखा, ना उन्होंने मुझसे कोई बात की। उन्होंने पर्चे पे लिखा और भिजवा दिया भैया के ऑफिस में और फिर वहाँ से मैं पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। और 2 नवंबर को इन्होंने तलाक ली और 2 नवंबर में ही इन्होंने फतवा जारी कर दिया दारुल उलूम से। अच्छा। फतवे में तो मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं अपनी आंखों से क्या है तलाकनामा, लेकिन मुझे बताया कि उसी तारीख में उन्होंने ये फतवा जारी किया, जबकि ऐसा होता नहीं। कुछ रीज़न होते हैं, कुछ बातें जाननी होती हैं, उसके बाद फिर वो पता चलता है कि हमने ऐसा किया है। तो जिस तरह से दारुल उलूम भी बता रहा है फतवे, सॉरी, तलाक को जायज बता रहा है इस तरह से, तो कितना आप कहती हैं, क्या कहेंगे आप दारुल उलूम के लिए? ठीक, एक तरफ तो आपके 2 बच्चे हैं और आप हैं और तलाक जो हुआ है वो आपकी सहमति से नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल जायज है, मेरी सहमति से नहीं हुआ। जैसे निकाह में कि अगर तलाक देने वालों की दोनों की सहमति होनी चाहिए, आपकी सहमति नहीं थी, तो फिर भी दारुल उलूम जायज बता जी। जैसे निकाह दो की राय से होता है, दो की मर्जी से होता है, तो तलाक भी तो ऐसे ही आमने सामने होनी चाहिए। अगर आप आमने सामने नहीं कर सकते तो कम से कम पूछ लीजिए। तो ऐसे बिना उसके, बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरी सहमति के उन्होंने मुझे तलाक दे दी। और मैं दारुल उलूम को ये नहीं कहती कि मैं उनके विपक्ष में जा रही हूँ, ठीक है, उन्होंने किया, लेकिन कम से कम जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि 2 बच्चे आने वाली कल में, इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा। फतवा दे दिया और इससे कोई वो तो नहीं होता, घर ही तो टूटा एक तरह से। तो मेरी बिना सहमति के उन्होंने तलाक दिया, ये मैं नहीं चाहती कि ऐसा होता। उसके बावजूद भी रोजाना ऐसे मामले सामने आए, जैसे आप एक महिला है और मुस्लिम महिला है, तो क्या कहेंगी आप? इसके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बनेगा तो तब तक ऐसे ना जाने और कितनी बहनें मेरी जैसी, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बर्बाद होते रहेंगे। इन्होंने एक अय्याशी का अड्डा बना रखा है कि आपने शादी कर ली, अगले दिन उसको छोड़ दिया, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, कोई मतलब नहीं किसी को, ना किसी का खर्चा वर्चा देना, कुछ नहीं, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आने वाली कल को बेहतर मानते हुए मैं ये चाहती हूँ कि कानून एक ऐसा नियम बनाए कि जिससे उन्हें ये लगे कि तलाक देने से पहले हमें ये सोचने कि इसके बाद में हमारा अंत क्या होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा नियम बने कि आने वाली कल में हम, मेरी जैसी जितनी बहनें हैं, उनके घर ना बर्बाद हो। उन्होंने अभी तो शायद जो 1 तारीख लगी थी उसमें कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब 30 मार्च में सुनवाई है, अब देखें आगे क्या होता है। किस किस को बनाया गया पार्टी उसमें? उसमें हमने 5 जनों को बनाया है, एक तो मेरे पति हैं वाजिद, दारुल उलूम में केंद्रीय मंत्रालय, अल्पसंख्यक और विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय इसमें बना जी। तो कौन सी तारीख लगी है वहाँ पर उसकी? उसमें 30 मार्च। तो क्या चाहती हैं आपको, क्या न्याय मिलना चाहिए? मुझे ये न्याय मिलना चाहिए कि आने वाली कल में, और ये ज्यादा बेहतर मानती हूँ कि मेरे साथ 2 बच्चे हैं, किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा क्या होना है, कैसे होना है, कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाली कल में मेरा भविष्य क्या होगा, क्या सोच समझ के उन्होंने कदम उठाया। जिस तरह से आमतौर पर ये फतवे दे दिए जाते हैं महिलाओं के हक के लिए, तो उसमें चेंजेस होना चाहिए शरीयत में, जिस तरह चेंजेस होने चाहिए। जैसे निकाह नहीं हो सकता, मेन पॉइंट तो यही है कि जब लड़की निकाह देने से इनकार कर देगी, बारात वापस चली जाएगी, चाहे आप 1000 बाराती ले आएँ चाहे 2000 ले आएँ, तो जब तक निकाह वो खुद अपनी मर्जी से नहीं देगी तो लड़का निकाह नहीं कर सकता। तो ऐसे ही तलाक, जब तक लड़की की सहमति ना हो तो तलाक भी मान्यता नहीं रख सकती, ये मेरा मानना है। खराब होती है जो 3 तलाक के बाद उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती हैं, तो कोई उनको देखने वाला नहीं होता कि इसके बाद उनका क्या हुआ, कहाँ गई वो औरतें और उनको कैसी
हेल्पलेस या असहाय जिंदगी वो बिता रही हैं। हाँ, वो यहाँ हरियाणा के हैं और वो लड़की राजस्थान की है जो अभी मैंने पढ़ा है आज ये मामला। और ऐसे बहुत सारे मामले हम लोग रोज़ाना ही देख रहे हैं और इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है और जो कि होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब वो कह रहे हैं लेकिन हमने तो पढ़ा नहीं है इसके बारे में कि ऐसा है, क्योंकि कुरान में जब कुरान हमारे ऊपर नाजिल हुआ तो उस ज़माने में ना तो ईमेल होता था, ना टेलीफोन होता था, ना ही इस तरह का कोई ख़त होता था। तो उसमें तो वही था कि भाई गुंजाइश है, गुंजाइश रखी गई है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं मानी गई है, तलाक़ जो है वो अच्छी चीज़ नहीं मानी गई है इस्लाम में, तो इसलिए ऐसा नहीं है। देखिए, वैसे तो ये मसला इसका ताल्लुक़ मुफ्तियान किराम से है, चूँकि मुफ्ती जो होता है उसका काम यही होता है, लेकिन चूँकि आप मेरे पास आए हैं, इसमें मेरी अपनी ये राय है कि तलाक़ हनफी मत के यहाँ, मसलक अलग अलग हैं, हम लोग हनफी मत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हनफी मत के यहाँ अगर किसी ने 3 दफ़ा तलाक तलाक कह दिया तो उसको तलाक वाक़ हो जाती है और उलमा उसको सब तस्लीम करते हैं। लेकिन जहाँ तक क़ुरान और इस्लामी रिवाज से ताल्लुक़ है, इस तरह तलाक़ देने को मना किया गया। तलाक़ तो हो जाती है लेकिन ये तलाक़ का सही तरीका नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इस तरह तलाक़ देने वालों को कोड़ों की सज़ा है, कोड़े लगते हैं। लेकिन चूंकि इंसान गुस्से में या किसी चीज़ में इस तरह जब कर देता है तो हनफी मत और उलमा इसको मान लेते हैं। और सही तरीका तलाक़ का जो है वो बताया गया है कि 3 महीने में इंसान को तलाक़ देनी चाहिए। पहले एक तलाक़ दो, अगर आपको पत्नी से कोई झगड़ा है, लड़ाई है, शिकायत है, वो आपकी कहना नहीं मानती, बात नहीं मान रही है, तो उसको आप ये कहिए कि देखिए अगर आप मेरा कहना नहीं मानेगी या मेरी बात नहीं सुनेंगी या मुझे तकलीफ देंगी तो मैं आपको तलाक़ दे दूँगा और मैं आपको 1 तलाक़ देता हूँ। उसके बाद सब्र करे, देखे वो सुधरती है और उस पर कुछ असर है नहीं है। अगर नहीं असर है तो फिर बताया 2 महीने में 2 तलाक़ दे। इस बीच में वो सुधर जाती है और बात मान लेती है या समझा देते हैं उसे, समझने से उसके समझ में बात आ जाती है तो वो तलाक़ ख़त्म हो जाती है, फिर उससे रुजू हो जाता है, उसका कोई असर नहीं होता।